कैसे हो? आपसे विजन अच्छे होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपके बर्ड अच्छे से रहे। और गाइस यार, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी ज्यादा कमेंट आ रही है बुलबुल बर्ड को लेकर, और काफी भाई जो कि यार कमेंट करके पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमने जो बुलबुल बर्ड का बेबी है वो बचा तो लिया है, पर उसे हम ट्रेनिंग कैसे दें। तो गाइस यार, आज का टॉपिक आपके लिए ये है, और यूट्यूब पर ये वीडियो पहली बार होगी। तो जितने भी भाई अगर मुझे देख रहे हैं, तो सारे जने जो कि यार आप जो कि अच्छे से बुलबुल बर्ड को ट्रेंड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, बुलबुल बर्ड का जो बेबी है आपसे फीड जब मांगता है तब आप उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में एक प्यारी सी कमेंट कर देना। अब गाइस, आपको मैं बताता हूँ, जब बुलबुल बर्ड आपसे अगर फीड मांगे तब आपको क्या करना है, उस फीड को आप अपने कंधे पर रख दें, वो उड़कर आएगा और आपके कंधे से जो कि उस फीड को मांगेगा, और उसके बाद में आप सिर पर रख दें या फिर आप कहाँ पे जैसे उंगली पर बुलाना चाहते हैं तो उंगली के पास में उसे बुलाएं सीटी मारकर, तो उड़कर आपके पास में आएगा और आपके हाथ पर जो कि बैठेगा आके, और उसका क्या नाम रखना चाहते हैं वो भी फिक्स कर दें। अगर आप नाम फिक्स नहीं करते, विस्लिंग पर ट्रेंड करना चाहते हैं तो आप उसे विस्लिंग पर भी ट्रेंड कर सकते हैं। कमरे में आप अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद में आप उसे छत पर ट्रेंड करें, फिर खुले मैदान के अंदर जो कि आप उसे लेकर जाएं, और फिर उसका जो भी नाम है या आप विस्लिंग पर ट्रेंड कर रहे हैं तो गाइज आप जो कि विस्लिंग मारें उसे और उसे बुलाएं उसके नाम से, या सीटी मारकर जब बुलाएंगे तो वो आपके पास आएगी, और फिर आप वापस उसे जो कि खाने के लिए दाना दे दें। तो उससे क्या होगा, उस बर्ड को ये लगेगा जब मैं इनके पास में आऊंगा तो मुझे दाना मिलेगा, फिर वो गाइज धीरे धीरे इतना पक्का हो जाएगा आपके साथ में, इतना फ्रेंडली हो जाएगा। आप कभी भी कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में भी अगर जाते हैं, आप उसे उड़ा देंगे तो वो गाइज आपके पास ही आकर बैठेगा आपके कंधों पर, और आप जितना ज्यादा उसे खुला रखेंगे तो गाइज यार उसकी आदत भी ये खराब नहीं होगी। पूरे दिन आप कंधे पे बिठा के रखें, उसे आदत कंधे की डाल देंगे, तो गाइज आप जैसे ही उड़ाएंगे वो उड़कर आएगा आपके कंधे पर ही बैठ जाएगा, और आप फिर से उसे फीड खिला दें तो गाइज वो अच्छे से ट्रेंड भी हो जाएगा। और बुलबुल बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कि गाइज एक महीने के अंदर अच्छे से ट्रेंड हो जाता है, आपकी अच्छी बात मानने लगता है, और आप उसे अच्छी विस्लिंग भी बोलना सिखा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग ट्यून है, अलग अलग म्यूजिक जो कि उसे बोलना सिखा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी सीख जाता है। तो गाइज आपको ये मैंने ट्रिक्स बताई है जिससे जो कि आप बुलबुल बर्ड के बेबी को ट्रेंड कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे जो कि यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उल्टी टोपी वाला। तो बताऊँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो